प्रेगनेंसी में जो पैरों में सूजन आ जाती है वो किसका संकेत होता है? जो मोटे मोटे बाल आ जाते हैं वो क्यों आ जाते हैं? जैसे कि ओल्ड वाइब्स हैं कि इससे लड़का या लड़की का भी पता लगाया जा सकता है कि घर में लड़का है या लड़की। आपका शरीर क्या होता है, अतिरिक्त मात्रा में ब्लड फ्लो करने लगता है और लिक्विड भी आपके शरीर में बढ़ने लगता है, क्योंकि ये दोनों चीजें ही घर में बच्चे के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके कारण प्रेगनेंसी में सूजन की समस्या होने लगती है। बात करें फ्रेंड्स हेयर ग्रोथ, तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं, कुछ बढ़ते हैं कुछ घटते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि महिलाओं में जो हेयर ग्रोथ होती है, अनवांटेड हेयर होते हैं बॉडी पर, उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। आप जैसे कि इस पे कुछ ओल्ड वाइफ्स हैं, जैसे कि अगर पैरों में सूजन आती है और जब शरीर पर मोटे मोटे बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं तो कई लोग कह देते हैं कि लड़की होती है, कई लोग कह देते हैं कि लड़का होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये टोटली मिथ है, इनके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, ये केवल ओल्ड वाइफ्स हैं, ओनली ओनली ओल्ड वाइफ्स।